बड़ी खबर, ईडी ने 3 घंटे तक की सोनिया गांधी से पूछताछ 25 जुलाई को फिर से बुलाए। बुधवार को ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीबन 3 घंटे तक पूछताछ की है और उन्हें 25 जुलाई को फिर से बुलाया है। यहां हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ ईडी दफ्तर अपने बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पहुंची। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर में ही अपनी मां का इंतजार कर रही थी ताकि यदि उनकी तबीयत खराब होती है तो उनका ध्यान रख सके और दवाइयां दे सके। हालांकि प्रियंका गांधी को पूछताछ कक्ष से दूर रखा गया था। बता दें, इस पूछताछ के दौरान एक डॉक्टर मौजूद था, साथ ही अगर उन्हें थकान होती है तो उनके लिए आराम करने के लिए कमरे का इंतजाम किया गया था। इस पूछताछ के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों ने संसद गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वो सत्यमेव जयते और सच न डरा है न डरेगा के पोस्टर पकड़े हुए थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।